ने राजस्थान प्रवास के दौरान आज भारत माला परियोजना के अंतर्गत बन रहे अमृतसर भटिंडा जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के प्रथम चरण का निरीक्षण किया 22,500 करोड़ रुपए के निवेश के अमृतसर को जामनगर से जोड़ने वाला 917 किलोमीटर की लंबाई का ग्रीन फील्ड छह लेन एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर उत्तरी और मध्य भारत के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा आयात और निर्यात गतिविधियों को बढ़ाने की मजबूत पहल है इस मार्ग के राजस्थान में 15,000 करोड़ रुपए की लागत से छः किलोमीटर छः लेन इकोनॉमिक का तिरानवे प्रतिशत काम पूरा हुआ है यह कॉरिडोर पंजाब में 155 किलोमीटर और गुजरात में 125 किलोमीटर तक का बन रहा है उद्योगों एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने यह इस परियोजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है यह कॉरिडोर पंजाब हरियाणा जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को जामनगर और कांडला में गुजरात के प्रमुख वन जीवी बंदरगाहों से जोड़ने के लिए एक अभिन्न धमनी के रूप में कार्य करेगा गतिशक्ति के स्पिरिट ऐसी विकसित या कॉरिडोर सात बंदरगाह नौ प्रमुख हवाई अड्डे और एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को जोड़ता है यह कॉरिडोर अमृतसर बीकानेर जोधपुर बाड़मेर और कच्छ जैसे पर्यटन स्थलों के लिए उच्च प्रति की कनेक्टिविटी प्रदान करेगा जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा इन बी न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट